हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो एमबीए सीईटी का फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट था, राइट? लास्ट डेट 4th ऑफ मार्च, आज शाम तक, रात तक आप 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हो, राइट? एंड उसके बाद एज पर दी टाइम टेबल जो गवर्नमेंट ने डेट डिक्लेयर किया है, राइट, 17-18 मार्च, राइट, उस टाइम आपका सीईटी, सॉरी 18-19th ऑफ मार्च को आपका सीईटी 99% तय है, राइट? तो ये वीडियो हमने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है फॉर कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट जो अभी सीईटी का प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। कुछ टिप्स हमने ऑलरेडी जिन लोगों ने सीईटी का प्रिपरेशन चालू किया है उन लोगों को भी इस वीडियो के थ्रू देंगे, और जो एफवाई और एसवाई के स्टूडेंट्स है या टीवाई के स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर सीईटी देने जा रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो हेल्प होगा। ऐसे पॉइंट्स हम अभी आगे कवर अप करेंगे, राइट? तो विद इन क्विक वी विल डिस्कस इट आउट दैट एमबीए सीईटी एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप सबको पता है कि एमबीए जो आप ग्रेजुएशन की बात करते हो उसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, करेस्पोंडेंस एंड एग्जीक्यूटिव, ऐसे 5 प्रकार होते हैं, राइट? लेकिन ये चारों को भी इतना वैल्यू नहीं है, करना है तो फुल टाइम एमबीए। अब इस फुल टाइम एमबीए के 3 बच्चे होते हैं, एमएमएस, एमबीए एंड पीजीडीएम। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, राइट? बट ये तीनों भी एमबीए है, एमबीए के ही अलग अलग ये नाम होते हैं, राइट? तो ये तीनों एमबीए, सपोज एग्जांपल आप मुंबई यूनिवर्सिटी से एमबीए करते तो उसको एमएमएस बोला जाएगा, वही आप पुणे जाके या मुंबई यूनिवर्सिटी को छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी से एमबीए करोगे तो उसको एमबीए बोला जाएगा। और जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं लेकिन जो यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट नहीं करते, वो AICTE को रिपोर्ट करते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, वैसे कॉलेज से आप एमबीए करोगे तो उसको पीजीडीएम बोला जाएगा, राइट? तो ये तीनों प्रकार के कॉलेजेस में एंट्री करने के लिए आपको आज से आपको 4 स्टेप्स को पूरा करना पड़ता है। उसमें से पहला स्टेप है सीईटी। तो आप कौन सा भी एक सीईटी दे सकते हो, कैट है, सीमेट है, झेट है, स्नैप है, बराबर। लेकिन एमएमएस प्रोग्राम के लिए और गवर्नमेंट के लिए सीईटी, कैट और सीमेट में से आप एक एग्जाम देना मैंडेटरी होता है। तो ये सीईटी अभी आ रहा है, सीईटी के बाद सीमेट भी आने वाला है, लेकिन अभी राइट नाउ विल फोकस ऑन सीईटी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंडक्ट करेगी जो 18-19 मार्च को होगी। सीईटी के पैरेलली आपका होगा जीडी एंड इंटरव्यू डिफाइंड कॉलेजेस में। ये मेजरली पीजीडीएम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ कहाँ पे एमएमएस के लिए एप्लीकेबल है या एमबीए के लिए एप्लीकेबल है। और लास्ट में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है एफसी, मतलब फेलिसिटेशन प्रोसेस, बराबर। तो उसमें अगर आप देख सकते हो ओपन कास्ट के लिए क्या क्या चेकिंग होगा, तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपका सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये सब यहाँ पे चेकिंग किया जाएगा। ओबीसी, एसबीसी और एनटी कास्ट के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल चेकिंग किया जाएगा। और एससी एसटी के जो हमारे स्टूडेंट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी चेक किया जाएगा, राइट? तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर एमबीए करना है इस साल, नेक्स्ट ईयर एमबीए करना है, तो आपको सीईटी, जीडी, पीआई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऐसा 4 स्टेप्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अगर इसमें से एक स्टेप भी अगर आपका मिस हो गया तो आप एमबीए नहीं कर सकते। और अगर आपने 4 स्टेप्स को पूरा किया तो अगस्त 2023 में इस साल के स्टूडेंट्स का एमबीए चालू होगा, जिसमें 23 टू 24 आपका फर्स्ट ईयर कॉमन होगा एंड 24 टू 25 आपका सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन होगा, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, आईटी, ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हैं एंड 2 साल में आपका एमबीए खत्म। वही एमबीए अगर आप नेक्स्ट ईयर करने के लिए गए तो 2024 से 25 और 25 से 26, ऐसा 2 साल का एमबीए होगा आपका, राइट? तो दिस इज द वे यू गाइज विल बी एबल टू कम्प्लीट योर एमबीए विद इन 2 ईयर्स, राइट? तभी एमबीए सीईटी होता क्या है, तो एमबीए सीईटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंडक्ट करती है, डीटी। तो एमबीए सीईटी में आपका पेपर 200 मार्क का होगा, जिसमें मैथ्स होता है 50 मार्क का, लॉजिक होता है 100 मार्क्स का। लॉजिक 2 पार्ट में डिवाइड है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 मार्क्स के लिए आएगा, लॉजिकल रीजनिंग 75 मार्क्स के लिए आएगा, राइट? और उसके बाद होता है वर्बल, वर्बल जो आपका आएगा 50 मार्क्स के लिए, राइट? तो ऐसा 200 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है 150 मिनट्स में एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सीमेट और कैट में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, राइट? तो ये सीईटी में समवेयर अराउंड 1,60,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, राइट? और उसमें से जो स्टूडेंट टॉप करेंगे
ओके, तो उनका मार्क्स आता है परसेंटाइल के हिसाब से। परसेंटाइल मतलब टॉपर के कंपैरिजन में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। एंड उसके बाद ये जीडीपी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद आपको मुंबई का कॉलेजेस मिलेगा। एमएमएस के लिए कैपराउंड 1, कैपराउंड 2 और कैपराउंड 3 प्रोसेस होता है, ये स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। राइट, तो दिस इज द वे, आपका 4 स्टेप पूरा होने के बाद आपका एमबीए में एडमिशन मिलेगा। तो अभी जो स्टूडेंट 10 दिन जिनके पास बचा है एमबीए सीईटी के लिए, बराबर वो स्टूडेंट्स किस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, और जो लोग अभी एसवाई में है, टीवाई में है, एफवाई में है, उन लोगों को किस प्रकार से खुद को तैयार करना है, ये पॉइंट अभी देखेंगे। तो जो लोग अभी जिनके पास 10 दिन पेंडिंग है, उन लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि प्लीज आप मैथ्स, लॉजिक और वर्बल इसका चैप्टर वाइज थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, 3 डेज 3 डेज 3 डेज। राइट, तो इसमें पोर्शन क्या क्या होगा। राइट, तो पोर्शन की कॉपी, ओके, हम एक नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, आप वहां पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको ये पोर्शन का कॉपी मिल जाएगा। तो 3 डेज 3 डेज 3 डेज ऐसा आप मैथ्स लॉजिक इंग्लिश का प्रॉपरली प्लान करते हो, एंड उसके साथ शाम, सुबह या शाम को आप अगर सेक्शन टेस्ट देते हो सेक्शन वाइज, एंड मॉक टेस्ट मतलब पूरा मॉक टेस्ट मतलब 200 मार्क का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, या हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे 7 to 8 पेपर्स भी अगर आपने प्रॉपरली बैठ के सॉल्व किया 150 मिनट में 200 क्वेश्चन, और उसके बाद एनालाइज किया कि आपको मार्क्स कितना मिला, कहाँ पे रॉन्ग हुआ, इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फोकस के साथ ये पढ़ाई करते हो तो अच्छे मार्क्स आना पॉसिबल है। वही स्टूडेंट जो एस वाई टी वाई के एफ आई के स्टूडेंट है, अभी जो 2 मंथ्स का जो वर्कशॉप होने वाला है, 2 मंथ्स का जो आप फ्री हो उसमें आप अपने बेसिक्स को कवर कीजिए। अगर आप अपने बेसिक्स को क्रैक करने में सक्सेसफुल हो गए तो इट विल वेरी इजी फॉर यू। ये जो आपका आने वाला जून से लेके नेक्स्ट मार्च तक का जो 8 महीना आपके पास है, उसमें आप आराम से प्रिपरेशन 3 3 4 4 बार रिविजन करके 30 से 40 मॉक टेस्ट सॉल्व करके आराम से सीईटी में अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। राइट, तो जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्लीज 10 दिन अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया है उन लोगों को भी हम सजेस्ट करेंगे कि अभी पोर्शन थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए, एक 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 क्वेश्चन को अगेन चेक कीजिए कि आपने उन्होंने किस मेथड से सॉल्व किया है, और आप अगर उस जगह पे होते थे कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते थे, एंड मॉक को सॉल्व कीजिए लास्ट मोमेंट पे। तो ये हेल्प होगा आपको कि आप अच्छे तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर सीईटी को जान सकते हैं। राइट, तो अगर आप मैथ्स देखोगे तो मैथ्स में आप कुछ चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, लाइक नंबर सीरीज, उसको आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। तो इसके बीच 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर को जरा देखिए। राइट, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। इसके ऊपर आपको डीआई सॉल्व करने को होगा जो 15 मार्क के लिए आएगा। फिर उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 300 400 क्वेश्चन को अभी अगर आप सॉल्व कर पाए, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, इसके 300 400 क्वेश्चन आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो अहेड। फिर लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, सिलॉक्स, बराबर, फिर ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग के 10 से 15 मार्क के लिए आता है, ओके, फिर आपका डायरेक्शन सेंट टेस्ट, डेटा सफिशियंसी, डेटा इनइक्वालिटी, राइट, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे चैप्टर्स करोगे तो 75 में से आपको 30 40 मार्क तो आप निकाल सकते हैं। और वर्बल में आपका ग्रामर, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट, फिर पैरा जंबल, फिल इन दी ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सिमिलर एंड ऑपोजिट मीनिंग, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखोगे और एक 10 15 पेपर सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा ग्रिप मिल जाएगा। राइट, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, बिकॉज सब स्टूडेंट पूछते हैं कि 200 में से कितना मार्क्स हमको टारगेट करना है। तो मैथ्स लॉजिकल, मैं एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिक को दोनों को कंबाइन करता हूँ, एंड वर्बल, तो मैथ्स आपका 50 मार्क्स के लिए आएगा, तो 20 मार्क्स के लिए आप टारगेट रखिए। लॉजिक रीजनिंग 100 मार्क्स का आता है, तो थोड़ा 10 दिन अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 100 में से आप 50 से 60 में तक टारगेट रख सकते हो, और वर्बल 50 में से 25 to 30। अगर ये मिनिमम टारगेट रखेंगे तो 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 25 95, और ये 90 प्लस 20 हो जाता है आपका 120। राइट, तो ये मार्क्स भी अगर आप लेके आने में सक्सेसफुल हो गए, और लास्ट मोमेंट पे अगर आपने तुक्का प्रॉपरली मार्क किया, प्रॉपर पेपर आपको पूरा करना है, तो डेफिनेटली 200 के 200 क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं कर सकते,
लास्ट के 15 मिनट में अगर आप प्रॉपरली तुक्का मारते हो, प्रॉपरली गेस्ट वर्क करते हो, अगर आप 5-10 मार्क भी बढ़ गए तो मिरेकल हो जाएगा एंड आप 95 to 100% के बीच में लैंड हो जाओगे। ओके, तो थिंक पॉजिटिव एंड लास्ट मोमेंट तक आप मेहनत कीजिए, राइट? तो कल से, फ्रॉम टुमारो, विल बी ऑर्गेनाइजिंग वेरियस ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे वी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश। इस वर्कशॉप में हमारे SY, TY के स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं, इवन FY के स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं। ये ऑनलाइन होगा, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है, तो हमने एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो सारी MBA की इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में आती रहेगी, राइट? तो आप जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग से व्हाट्सएप कीजिए और आपका नाम पूरा लिखिए। आप FY से, SY से, TY से पास आउट है वो लिखिए, हम आपको स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम टुमारो विल बी टेकिंग मैथ्स, लॉजिक, वर्बल, जब तक CET नहीं होता तब तक हम करते रहेंगे। तो FY के स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सकते हैं, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट रेडी फॉर फ्यूचर वॉर। ओके, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको CET का पूरा इंफॉर्मेशन देने की ट्राई किया है। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द एंटायर ओवरव्यू, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गेट रेडी फॉर दिस MBA CET, बी पॉजिटिव एंड अगर आप 10 दिन अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपको 101% अच्छा सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी 10 से 15 दिन के लिए फोकस ओनली ऑन CET। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।